गाइस, मैं हूं प्रदीप चौधरी और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर स्वागत करता हूं। आज हम यहां पे एक सवाल लेकर आए हैं जिसको एक नॉर्मल समीकरण के द्वारा यहां पे दिखाया गया है, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है, हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और ये जो सवाल है ये है द्विघात समीकरण का। यहाँ पे हमें एक्स के मान निकालने हैं। इसका दूसरा सवाल एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स का होल स्क्वायर माइनस 30 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस 216 बराबर जीरो। यहाँ पे जो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x का होल स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 216 बराबर जीरो। ठीक है, हमको फिर वही करना है। यहाँ पे हमको अगर हम ओपन करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, मैटर हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, और मैटर हमारा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इजिकल टू वाई, देन ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर माइनस का 30 वाई माइनस का 216 बराबर जीरो। ठीक है, अब ये हो जाएगा तुम्हारा वाई का स्क्वायर माइनस 30 वाई माइनस 216 बराबर जीरो। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम जानते हैं कि 36 छक्का 216 होता है, तो इसको हम करेंगे y का स्क्वायर माइनस 36 वाई प्लस का 6 वाई माइनस 216 बराबर जीरो। ठीक है, ये आ जाएगा, इसमें से y कॉमन लेंगे तो y माइनस 36 बचेगा, यहां प्लस का 6 कॉमन लेंगे तो y माइनस 36 बराबर जीरो। अब देखिए हो जाएगा y माइनस 36 और ये होगा y प्लस 6 बराबर यहां पे आएगा y माइनस 36 और यहां पे आएगा y प्लस 6 बराबर जीरो। अब देखिए यदि y माइनस 36 बराबर जीरो देन y बराबर 36, और यदि y प्लस 6 बराबर जीरो देन y बराबर माइनस 6। तो सबसे पहले y बराबर 36 लेते हैं, y बराबर 36 से हमने y किसके बराबर मान रखा है, हमने y को माना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर y माना, तो y की जगह 36 रखेंगे। अब देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 36 बराबर जीरो। 9 चौक 36 और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 4x माइनस का 36 बराबर जीरो। और ये हो जाएगा x यहां से कॉमन, x माइनस 9 बचेगा प्लस का 4 यहां से कॉमन, x माइनस का 9 बराबर जीरो। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 9 आएगा, दूसरे में आएगा x प्लस 4 बराबर जीरो। यदि x माइनस 9 बराबर जीरो देन x बराबर 9, और अगर यहां पे दूसरा हम लिखें x प्लस 4 बराबर जीरो देन x बराबर माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहां पे लेते हैं y बराबर माइनस 6, y बराबर माइनस 6 से, तो मैंने y बराबर मान रखा है x स्क्वायर माइनस का 5x इज इक्वल टू माइनस का 6, देन x स्क्वायर माइनस का 5x और ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पे हमको सिंपल इक्वेशन मिल गई ना, x स्क्वायर 3x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। x यहां से कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे बचेगा, इसको यहां पे x माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 2 लेते हैं तो x माइनस का 3 बराबर 0, x माइनस 3 हो गया और x माइनस 2 बराबर 0। यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, और अगर यहां पे x माइनस 2 बराबर 0 देन x बराबर 2। तो देखिए यहां पे कितने मान निकले, x बराबर 9 निकल गया, x बराबर माइनस 4 आया, x बराबर 3 आया और x बराबर 2 आया। तो आप देख रहे हैं ना यहां पे ये कितनी इजीली जो है आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो गया, और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये समझ में भी आया होगा। और अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और हाँ, जो हमारे चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।